नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज 26 जनवरी 2018 है। इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आर्टिकल पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको हैप्पी रिपब्लिक डे कहता हूँ, बिकॉज आज 26 जनवरी है, आप जानते हो। चलिए फिर आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज द्वारा सभी पुलिस एग्जाम्स के लिए टेलीग्राम पर एक ग्रुप बनाया गया है। अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और अगर आप पुलिस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है, जो मैं आपको वीडियो के अंत में बताने वाला हूँ। फर्स्ट आर्टिकल जिस पर हम बात करने वाले हैं दोस्तों, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से संबंधित है। आर्टिकल बात करता है अफगानिस्तान और वहाँ की सिचुएशन की। तो चलिए हम भी थोड़ा जायज़ा ले लेते हैं कि अफगानिस्तान में क्या कुछ चल रहा है। देखिए दोस्तों, पिछले हफ्ते अफगानिस्तान में एक हमला होता है तालिबान द्वारा एक होटल पर, जिसमें 22 लोगों की जाने जाती हैं, जिसमें 14 लोग फॉरेनर थे। 12 घंटे लगते हैं दोस्तों इसे टैकल करने के लिए। देखिए ये सब हमें बताता है कि सिचुएशन कितनी ख़राब है। सिचुएशन इतनी ही ख़राब नहीं है दोस्तों, अगर आप सिचुएशन को समझना चाहते हो तो वहाँ के प्रेसिडेंट अशरफ गनी जी खुद कहते हैं कि अफगानिस्तान की धरती पे 21 इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप एक्टिव हैं और वो वहाँ पर सुसाइड बॉम्बर बना रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर US अपनी आर्मी को वहाँ से हटा लेता है तो अफगान की जो फोर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा, अफगानिस्तान की जो मिलिट्री है या यूं कहे कि उनकी जो फोर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक ही लड़ सकती है और अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो कोलैप्स हो जाएंगी। देखिए ये असेसमेंट किसी बाहर के आदमी ने नहीं की है, ये वहाँ के जो प्रेसिडेंट है ये खुद कह रहे हैं। सिचुएशन कैसी होंगी इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। हम आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं इसी सिचुएशन की। देखिए पिछले 16 सालों में वहाँ की जो सिचुएशन है ये काफ़ी ख़राब ही होती गई है डे बाई डे। 31,000 लोगों ने अपनी जानें गंवाई है दोस्तों। मरने वालों की संख्या अगर हम देखें तो हर साल 4,000 लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं। इससे ज़्यादा टेंशन वाली बात तो ये है कि वहाँ के जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी संख्या ज़्यादा है दोस्तों। ऐसा अगर हम देखें तो हर साल 7,000 जवान अपनी जान गंवाते हैं। तो इन मरने वालों के नंबर्स को छोड़ दीजिए, सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए कि सिचुएशन कितनी ख़राब है। देखिए 2001 से 2014 तक अगर हम देखें तो प्रॉब्लम बढ़ती ही गई है, उसे अच्छे से सॉल्व नहीं किया गया है। और अगर इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिलता है अफगानिस्तान को दोस्तों, तो कुछ भी ये लोग नहीं कर सकते। दूसरी बात, जो लोग इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब US इन्हें जिस तरीके से सपोर्ट कर रहा है, उन्हें एडवाइस दे रहा है, उनकी फोर्सेस को ट्रेन कर रहा है, ठीक है, सब कुछ कर रहा है, बाकी प्रॉब्लम ये है कि जो अफगानिस्तान में हेल्प करने के लिए जाता है वो वही फंस जाता है। इसी तरीके से USA वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा है दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ तक कहा था इलेक्शन कैंपेन में कि अगर वो जीत के आते हैं तो वो अपनी फोर्सेस को विड्रॉ कर लेंगे अफगानिस्तान की धरती से, बट ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने यू टर्न लिया और उन्होंने कहा कि जब तक सिचुएशन सामान्य नहीं होती अमेरिकन फोर्सेस वहाँ पर रहेंगी। देखिए इन 16 सालों में US ने खून और पैसा दोनों बहाया है, मतलब एक ट्रिलियंस डॉलर इन्होंने यहाँ पे खर्च किए हैं सिचुएशन को बेहतर करने के लिए। और देखिए उनकी जो फोर्सेस हैं इसमें से 2400 लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई हैं। और अगर हम देखते हैं दोस्तों तो उनकी US की अगर हिस्ट्री देखें तो किसी भी उनकी हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा लंबी चलने वाली ये वॉर कहा जाएगा। 120 बिलियन डॉलर उन लोगों को खर्च करने पड़े हैं कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के कामों के लिए। राइटर कहते हैं भाई इतना खर्चा तो जब सेकंड वर्ल्ड वॉर से निपटने के लिए जो किया गया था, मतलब सेकंड वर्ल्ड वॉर का जो आउटकम आया था उसके लिए जो खर्चा करना पड़ा था, इतना खर्चा तो तब भी नहीं हुआ था जितना अफगानिस्तान में US का हो गया। इस तरीके से देखिए बाद में कहते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी अपना काम कर रही है, हमारा भी नाम आता है। देखिए दोस्तों हम वहाँ पर अपना काम कर रहे हैं, मतलब हमने $2 बिलियन रुपये खर्च किए वहाँ पर, जिसमें हमने उन्हें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दी है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डिंग का काम किया है, काफ़ी कुछ हमने वहाँ किया है, हमने वहाँ रोड्स बनाए हैं, यहाँ तक कि उनकी जो प्रेजेंट पार्लियामेंट है इसका भी आधे से ज़्यादा खर्च हमने किया है दोस्तों। देखिए पिछले दिनों हमने वहाँ पर गेहूँ की खेप भेजी थी, जो कि किस रूट से भेजी थी आपको इस सवाल का जवाब देना है, देखते हैं कितने लोग सही आंसर दे पाते हैं। पहले मैंने बात की दोस्तों अमेरिका की पॉलिसी की, जो कि मिस्टर ट्रंप चेंज करना चाहते थे बट वो चेंज नहीं कर पाए। अभी भी जितनी फोर्सेस थी उतनी फोर्सेस वहाँ पर हैं। 1 जनवरी को ये थोड़ा चेंज हमें देखने को मिला जब उन्होंने एक ट्वीट किया, जिस ट्वीट में उन्होंने पाकिस्तान को सीधा सीधा ये कहा कि देखिए पाकिस्तान ने काफ़ी झूठ बोला है US से, या यूं कहे कि US की लीडरशिप को बिल्कुल गुमराह किया है। अब तक US ने $33 बिलियन की सहायता दी है पिछले 15 सालों में पाकिस्तान को, जो अफगानिस्तान की सिचुएशन है वहाँ से मतलब उन्हें सहायता करने के लिए, बट
पाकिस्तान ने उन्हें धोखा ही धोखा और फरेबी दिया है। पाकिस्तान ने अपनी धरती को एक हेवन की तरह होने दिया है जहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती है, और ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ ऑल ओवर वर्ल्ड, फिर ये टेररिस्ट वहाँ से दूसरी जगह जाते हैं, प्लान पाकिस्तान में बनते हैं दोस्तों, इम्प्लीमेंटेशन कहीं और होता है। इस तरीके से US चाहता है कि पाकिस्तान स्ट्रिक्ट एक्शन ले। बट देखिए, जिस तरीके से USA ने पाकिस्तान को डराया है, या यूँ कहा है कि जो कुछ पाकिस्तान ने एक्शन लिया है, मतलब सॉरी, जो कुछ US ने एक्शन लिया है अगेंस्ट पाकिस्तान, ये सब कुछ डिपेंड करता है दोस्तों कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो किस तरीके से रिस्पॉन्स करेंगी। क्या पाकिस्तान का जो पाकिस्तान की जो आर्मी का बिहेवियर है, क्या पाकिस्तान के आर्मी का बिहेवियर चेंज होगा आने वाले दिनों में, ये देखने वाली बात होंगी। देखिए, इस पर हमने पिछले दिनों एक अलग से एडिटोरियल आर्टिकल भी डिस्कस किया था कि US और पाकिस्तान के जो रिलेशंस है ये अगर चेंज होते हैं तो इसका क्या इम्प्लीकेशन देखने को मिलेगा दोस्तों एशिया पर, या क्या हमें, मतलब किस तरीके से सिचुएशन को चेंज करने में ये फ़ायदेमंद साबित होगा। अभी लेजिटिमेसी की बात करते हैं दोस्तों, ये इलेक्शंस की बात करते हैं, ये वहाँ के लीडरशिप की बात करते हैं। ये कहते हैं कि नए लीडर्स वहाँ पे इमर्ज होके आ रहे हैं। ये कहते हैं कि देखिए, पिछले दिनों वहाँ पर इलेक्शन होने थे बट इलेक्शन हो नहीं पाए। ये कहते हैं जब इलेक्शन हुआ था उस समय पे जो प्रेसिडेंट के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर वाली एक नई पोस्ट बनाई जानी थी बट वो नहीं बनी। चीफ एग्जीक्यूटिव नाम की वहाँ पर एक पोस्ट है बट चीफ एग्जीक्यूटिव और प्रेसिडेंट दोनों में इतना अच्छा बैलेंस नहीं है। ये यूँ कह के सामंजस्य की दोनों में कमी है दोस्तों। ये कहते हैं कि अगर इलेक्शन होता है तो इसका कॉस्ट होता है तकरीबन 250 मिलियन डॉलर, जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को देना पड़ेगा। और साथ साथ ये कहते हैं कि आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है, जो पहले इलेक्शन होने वाले थे प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट्री इलेक्शन, ये दोनों इलेक्शन साथ हो सकते हैं, या दोनों इलेक्शन को क्लब किया जा सकता है, जो हमें 2019 में देखने को मिल सकते हैं। देखिए, इसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न्स है। बाद में ये कहते हैं दोस्तों, लेजिटिमेसी पे एक सवाल उठता है। ये कहते हैं कि अब भी वहाँ अफगानिस्तान में तालिबान 50 डिस्ट्रिक्ट पे कब्जा करके बैठा है। जो इलेक्शन होने हैं वो 120 डिस्ट्रिक्ट में होने हैं, और देखिए 200 से भी ज़्यादा जो डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, ये जिस पे अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है ये कंट्रोल करेंगी। तो फिर देखिए, जितने जिस एरिया में इलेक्शन हो रहा है उस एरिया पे ये कंट्रोल करते हैं, उस एरिया पे पॉलिसीज बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, ये तो बात समझ में आती है। बट जिस एरिया पे इलेक्शन नहीं हो रहा है उस एरिया पर भी अगर ये अपना कंट्रोल दिखाएंगे तो क्या ये अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा? तो ये वाले सवाल भी सामने आते हैं। बाद में कहते हैं कि देखिए, 45% जो एरिया है अफगानिस्तान का, वहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही है, या यूँ कहे कि टेररिस्ट के अंडर कंट्रोल है। तो इस तरीके से दोस्तों सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। इलेक्शंस अगर होते हैं तो इसका आउटकम क्या आएगा, ये भी देखने वाली बात होती है। इलेक्शंस जो होने वाले थे ये भी इन फ्यूचर, मतलब आगे चले गए हैं, तो इलेक्टोरल जो आउटकम होगा ये देखने वाली बात होंगी। तालिबान की अगर हम बात करें दोस्तों, तो देखिए तालिबान, US अगर वहाँ पे रहता है, US के प्रेजेंट में तालिबान इतना कुछ नहीं कर सकता जो वो करना चाहता है। बट देखिए, ये थोड़े वहाँ का जो पीस है उसे डिस्टर्ब कर सकते हैं, जो छोटे मोटे वहाँ पे काम होते हैं उसे रोक सकते हैं, मतलब थोड़ा सा ये न्यूसेंस क्रिएट कर सकते हैं, इतना ये नहीं कर सकते जितना ये करना चाहते हैं जब तक US की वहाँ पे प्रेजेंस है। तब तक आगे चलते हैं दोस्तों। अब ये बात करते हैं ग्लोबल इम्पेरेटिव की। देखिए, अब हम बात करते हैं रशिया की। पिछले 2 सालों से रशिया एक मतलब रशिया की पोजीशन थोड़ी स्ट्रांग हुई है, अगर हम अफगानिस्तान के एरिया की बात करें। और रशिया ने, मतलब US ने ये कहा है कि रशिया सप्लाई कर रहा है वेपन तालिबान को, बट रशिया ने इस बात को डिनाई किया है दोस्तों। रशिया ने ये कबूल किया है कि जो कम्युनिकेशन के चैनल है उसने ओपन किए हैं, वो चाहता है कि दोनों साइड कम्युनिकेशन हो, और जो पीस है दोस्तों, पीस की बात उसने स्टार्ट की है। अगर हम रायसेना डायलॉग पे आते हैं, जो कि पिछले दिनों हमारे कंट्री में हुआ था, तो वहाँ पर भी एक बात कही गई थी एक फॉरेन मिनिस्टर द्वारा। ये कहते हैं कि देखिए, सबसे ज़्यादा जो ख़तरा है अफगानिस्तान को, इस रीजन को, ये आइसिस से है, ये इस्लामिक स्टेट से है। इस तरीके की बात उन्होंने कही थी। ये इन्होंने, मतलब उन्होंने सीधा सीधा ये कहा था कि रशिया से इतना ख़तरा नहीं है जितना इस्लामिक स्टेट से है, और रशिया वहाँ पर कुछ नहीं कर रहा है। बाकी दोस्तों देखिए, US के क्वेश्चन है। US कहता है कि रशिया और ईरान, इन दोनों के जो मोटिव है ये अच्छे नहीं है। ये दोनों चाहते हैं कि US वहाँ पर कमज़ोर हो, ये चाहते हैं कि काबुल की जो गवर्नमेंट है दोस्तों ये कमज़ोर हो, और काबुल पर तालिबान का शासन आए। ये बात कहता है USA। सीधा सीधा देखिए, ग्लोबल इम्पेरेटिव्स में हम समझने की कोशिश कीजिए कि पिछले 2 सालों में US का एक कहना है कि रशिया की जो सिचुएशन है, मतलब रशिया का जो इंटरफेरेंस है वो बड़ा है इस रीजन में। रशिया मानता है कि उसने कम्युनिकेशन के चैनल्स ओपन किए हैं, बट रशिया इस बात को डिनाई करता है कि उसने किसी भी तरीके के आर्म सप्लाई नहीं किया है, किसी भी तरीके का सप्लाई नहीं किया है तालिबान को, जो तालिबान वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इस रीजन में उसे। बट USA कहता है दोस्तों कि जो ईरान है और रशिया है, ये दोनों मिलकर अपने जो मोटिव्स है,
मतलब ये दोनों का एक ही मोटिव है कि यूएसए किस तरीके से कमज़ोर होता है इस रीजन में और तालिबान कैसे सामने निकल के आता है। देखिए अगर हम 2001 की बात करें तो 2001 के बाद काफ़ी लोगों को उम्मीद जगी थी कि अफ़गानिस्तान को रिबिल्ड किया जाएगा। ग्लोबल कम्युनिटी भी इस बात पे राज़ी थी और सबको पता था कि अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी आना बहुत ज़रूरी है अगर इस रीजन में शांति बनाए रखनी है तो। बट दोस्तों 16 साल हो चुके हैं, कुछ अच्छा रिजल्ट अब तक नहीं आया है। जो लोग देश छोड़ के वापस, मतलब जो लोग वॉर के समय वहाँ से निकल गए थे, वो लोग वापस वहाँ आते हैं, अफ़गानिस्तान आए हैं, बट उन्हें निराशा ही देखने को मिली है। वहाँ की सिक्योरिटी और गवर्नेंस की अगर हम बात करें तो इससे ये लोग बिल्कुल मतलब डिक्लाइन होने की कंडीशन में ये हैं और लोग बिल्कुल इससे नाराज़ हैं, या यूँ कहे कि इनके दिल दुखे हुए हैं। देखिए वहाँ की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, या यूँ कहे कि अफ़गान के जो नए इंस्टीट्यूशन है जो क्रिएट किए गए हैं रिसेंटली, ये अनेबल है दोस्तों, ये एड्रेस नहीं कर पा रहा है उन चैलेंजेस को, उन सिग्निफिकेंट मतलब अगर इन्हें सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिलता है, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता है, मटेरियल सपोर्ट नहीं मिलता है, तो अफगान के जो न्यू डेवलप इंस्टीट्यूशनल है या नए क्रिएटेड इंस्टीट्यूशन है, ये किसी भी प्रकार के काम के नहीं है। ये यूँ कहे कि ये कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ओके आगे चलते हैं। देखिए इंटरनेशनल कंसेंसस है इससे रिलेटेड, सब चाहते हैं कि सिचुएशन अच्छी हो जाए। इसी तरीके से राइटर कहते हैं कि जो 2019 का जो साल होगा ये क्रिटिकल ईयर साबित होगा इस रीजन में। दोस्तों देखिए दोस्तों, ये हमारा अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज देखिए आर्टिकल इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू ही जो होगा हम उसी पे बात करेंगे, वही हमारे लिए अच्छा है। बट अफगानिस्तान से हमारे भी इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं दोस्तों, इसीलिए नहीं कि हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के मतलब हम वहाँ पे काफ़ी मदद कर रहे हैं, बिकॉज अफगानिस्तान से आगे हमें जाना है, अफगानिस्तान के की जो बॉर्डर कंट्रीज़ है उनके साथ हमें व्यापार बढ़ाना है, या यू कहे कि मिडिल ईस्ट हमें जाना है, और जो हम हमारा नया तरीका है चाबहार होते हुए ईरान से अफगानिस्तान हम जाने वाले हैं, तो अफगानिस्तान में जो सिचुएशन है ये बेहतर हो, वहाँ पर स्टेबिलिटी आए, ये हमारे लिए भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी अफगानिस्तान के लिए है। और देखिए अफगानिस्तान में हमारी सॉफ्ट पावर है, हमारे उनके रिलेशंस अच्छे हैं, इस बात में भी दो राय नहीं है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे एशियान की। आप जानते हो एशियान एक 10 कंट्रीज़ का समूह है। देखिए राइटर कहते हैं कि हमें काम करने की ज़रूरत है उस रोड मैप पे जो इन्हांस करेगा इन दोनों कंट्रीज़ के मतलब बायलैटरल टाइस को एशियान और इंडिया के बीच में। तो चलिए दोस्तों साउथ ईस्ट एशिया पे आते हैं। अफगानिस्तान से अब हम शिफ्ट हो रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया पे, इस वीडियो में शुरू करते हैं। देखिए इस हफ्ते मतलब आज 26 जनवरी है और 26 जनवरी की जिन जो नेशनल परेड होती है लाल किले पे, तो इसे अटेंड करने के लिए हमने इनवाइट किया है एशियान देश के लीडर्स को, या यूँ कहे कि वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्हें। और देखिए दोस्तों 10 देश के जो लीडर्स हैं ये यहाँ पर प्रेजेंट है प्रेजेंटली न्यू दिल्ली में, और ये इंडिया आए हुए हैं इस परेड को अटेंड करने के लिए। काफ़ी सारे प्रोग्राम भी यहाँ पर होंगे इससे रिलेटेड। तो इस तरीके से देखिए हमारे और इनके रिलेशंस कितने अच्छे हैं, ये हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं, और कितनी संभावनाएं हैं एशियान और इंडिया के रिलेशन बेटर होने के, ये भी हम जानते हैं। 2017 इंडिया एशियान रिलेशन के लिए काफ़ी अच्छा साल साबित हुआ दोस्तों, और देखिए इसी साल मतलब 1992 में इसकी स्टार्ट हुई थी, इसे 25 साल पूरे हो रहे हैं। अगर समिट लेवल इंटरेक्शन को हम देखें तो 15 साल कंप्लीट हो रहे हैं दोस्तों, और 2012 में से जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमने इनके साथ शुरू की है इसे भी 5 साल पूरे हो रहे हैं। तो देखिए हम 1992 में अगर इनके साथ हमारा व्यापार देखें तो ये कुछ बिलियन डॉलर का हमें दिखाई देता है। अगर यही व्यापार हम 2017 में देखें दोस्तों तो ये व्यापार हमें बिल्कुल 25 टाइम्स, हम ये कह सकते हैं कि इन 25 सालों में जो व्यापार है ये 25% बढ़ा है, ये काफ़ी अच्छी बात है। देखिए हमारा इम्पोर्ट वहाँ से ज़्यादा है, हम एक्सपोर्ट वहाँ पे कम करते हैं, बट सिचुएशन सुधर सकती है। ये कहते हैं कि जो डिसइल्यूजन्स में ये लोग हैं इससे इन्हें बाहर आने की ज़रूरत है। अभी डिसइल्यूजन्स की बात करते हैं, किस तरीके का डिसइल्यूजन्स है दोस्तों बोथ साइड। देखिए आसियान कंट्रीज़ चाहती हैं, आसियान कंट्रीज़ इसलिए हमसे डिसअपॉइंटेड हैं, उन्हें लगता है कि हम जितना वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उतना हम कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, जितना वज़न हम वहाँ पे दे सकते हैं उतना वज़न हम वहाँ पे नहीं दे रहे हैं दोस्तों। बट देखिए अगर हम अब हमारी मतलब हम हमारी बात करें तो हमारा ज़्यादा ध्यान है दोस्तों इंडो पैसिफिक पर, हमारा ज़्यादा ध्यान है इंडियन ओशंस पर, एशियान पे तो ध्यान है ही, बिकॉज हमारी न्यू गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज़ लेके आई है इस रीजन के लिए ये काफ़ी अच्छे साबित हो रही है हमारे लिए, पर हमारा ज़्यादा फोकस इधर भी है, मतलब साइमल्टेनियसली हमें काफ़ी सारी चीज़ें संभालनी है। बाद में राइटर कहते हैं दोस्तों कि देखिए हमारी जो कैपेसिटी है इन्हें डेवलपमेंटल असिस्टेंस देने की, मार्केट में एक्सेस देने की और सिक्योरिटी गारंटीज़ देने की, ये लिमिटेड है। सिक्योरिटी गारंटीज़ की यहाँ पे बात होती है। देखिए इस रीजन में चाइना ने अपनी डोमिनेंस डे बाय डे बढ़ाई है, इसके जो कुछ पार्टनर है जैसे कि फिलीपींस
और वियतनाम, ये चाइना से, साउथ चाइना सी की वजह से नाराज़ है और चाइना इंटरनेशनल नॉर्म्स रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। चाइना ने इंटरनेशनल रूल रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए, मतलब हम चाइना का नाम तो नहीं लेते बट हम ये कहते हैं कि इंटरनेशनल रूल रेगुलेशन फॉलो होने चाहिए और ये जो रीजन है ये रीजन मतलब फियरलेस होना चाहिए। जिस तरीके से व्यापार यहाँ पे हो रहा है इस तरीके से होना चाहिए और ये 10 कंट्रीज़ दोस्तों चाइना पे इतना डिपेंड नहीं होना चाहती बिकॉज ये जानती है कि चाइना पे ज़्यादा डिपेंड होने का मतलब क्या है, चाइना किस तरीके से इन्हें अंडर कंट्रोल रख सकता है आने वाले दिनों में। ओके, बिकॉज इंडिया में और चाइना में एक डिफरेंसेस है, आप याद रखिए, नोट कर लीजिए। मैं तो कहूँगा कि चाइना देता है दोस्तों लोन, छोटी कंट्रीज़ को चाइना लोन देता है, हम उन्हें असिस्टेंस देते हैं, हम उन्हें एड देते हैं, या यूँ कहें कि हम उन्हें सहायता देते हैं, चाइना उन्हें लोन देता है। इस तरीके से चाइना की जो एक सिचुएशन है या चाइना की जो इमेज है बाहर वो अलग है, हमारी इमेज बाहर अलग है। हमें हमारी सॉफ्ट पावर अच्छी है दोस्तों चाइना से, चाइना की सॉफ्ट पावर इतनी नहीं है। राइटर कहते हैं कि हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी पे काम किया है, लुक ईस्ट से ये ईस्ट से ये एक्ट ईस्ट पे शिफ्ट हुई है और देखिए इससे हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। ये यूँ कहे कि हमारे जो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल है ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में, इसे इनहांस होने में इस पॉलिसी ने काफ़ी मदद की है। और आए दिन आप PIB में खबरें पढ़ते रहते हो एशियान से रिलेटेड, तो देखिए दोस्तों पिछला साल हमारा और एशियान के लिए काफ़ी अच्छा था और इस रीजन में हम एक बड़े प्लेयर होकर सामने आ रहे हैं। ये बात मैं कहते हैं कि देखिए ये बात अब साबित हो चुकी है कि हमने अपना जो फोकस है, हमने अपना जो ध्यान है ये सार्क से लेकर बिम्स्टेक पे कर दिया है। ये यूँ कहे कि हम असर्ट करना चाहते हैं अपने आप को, अगर हम इंडो पैसिफिक की जियोग्राफी को देखें तो ये कहते थे कि चाइना अभी भी इस रीजन में बड़ा प्लेयर है, चाइना का अगर व्यापार देखें इन कंट्रीज से तो हमसे ज़्यादा है दोस्तों, बट ये लोग पूरी तरीके से चाइना पर डिपेंड नहीं होना चाहते। अगर ये पूरी तरीके से चाइना पर डिपेंड होना चाहते तो ये जिसलिए ये इंडिया आए हैं, हमारे इनविटेशन पे 10 के 10 लोग इंडिया आए हैं, ये इंडिया नहीं आते। देखिए दोस्तों हमारी सीधी फाइट चाइना से है इस रीजन में, हम ये कहेंगे, बट दोनों कंट्रीज़ का अगर हम प्रोफाइल देखें, अगर हम हमारा प्रोफाइल देखें और अगर हम चाइना का प्रोफाइल देखें साउथ ईस्ट एशिया में, तो दोनों में डिफरेंसेस है दोस्तों। हम कहीं इन लोगों के लिए एक पॉजिटिव नेशन के रूप में सामने आ सकते हैं जो जिनका इन पे किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं है, बट अगर हम चाइना की बात करें दोस्तों तो जिस तरीके से चाइना इस रीजन में बाहर निकल के आया है और इंटरनेशनल रूल रेगुलेशन को जिस तरीके से इसने ताक पर रख के काम किए हैं, अगर हम साउथ चाइना सी की बात करें तो ये एक चिंता का विषय है इस रीजन में। ये लोग चिंतित है चाइना के वजह से भी, इसीलिए कहिए इंडिया के और शिफ्ट भी होना चाहते हैं, या यूँ कहे कि हमारा वेलकम भी कर रहे हैं इस बात को जानते हुए कि हमारा और उनका व्यापार एक लिमिटेड है, मतलब आगे बढ़ने की संभावना है। अगर पिछले 25 सालों में 25% तक बढ़ा है तो आने वाले दिनों में ये और ऊंचाई को छुएगा, इस बात में भी दो राय नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों, देखिए हमारा ज़्यादा वहाँ की इकोनॉमिक मतलब इतना इकोनॉमिक फोकस नहीं है बिकॉज ये बात करते हैं मार्केट एक्सपोर्ट की, ये बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो देखिए एक्चुअली हमारा जो एक्सपोर्ट है दोस्तों, हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर ही इतना स्ट्रांग नहीं है अभी भी, हमारा मतलब एक्सपोर्ट सेक्टर थोड़ा वीक है। ये कहते हैं कि अब हमें फोकस करना चाहिए और हमारा फोकस ही है दोस्तों, देखिए क्या कहते हैं हम डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चरिंग पे, या यूँ कहे कि मेक इन इंडिया जो हमने कैंपेन चलाया है, हमारा ज़्यादा फोकस इस पे है। तो राइटर कहते हैं देखिए एक्सपोर्ट के अलावा भी काफ़ी अदर एरिया है जहाँ पर हम काम कर सकते हैं, जैसे कि राइटर कहते हैं दोस्तों कि इंडिया चाहता है कि एक मल्टीलैटरल फोरम की जगह हम एक बायलैटरल फोरम की तरह उन्हें ट्रीट करते हैं। बायलैटरल फोरम हमारी और उनकी एक बायलैटरल पार्टनरशिप है। देखिए हमारी किसी एक इंडिविजुअल कंट्री के साथ ज़्यादा या कम पार्टनरशिप नहीं है, सिंगापुर के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं, हमारे जो पड़ोसी हैं इनके साथ भी हमारे अच्छे रिश्ते हैं, बट अगर हम एशियान की बात करें तो हम उसे एक मल्टीलैटरल फोरम नहीं एक बायलैटरल फोरम के रूप में देखते हैं और उनसे जो पार्टनरशिप है उसके हमारे अलग इंटरेस्ट है। ये कहते हैं देखिए दोस्तों हम बे ऑफ बंगाल के जरिए हम म्यांमार और थाईलैंड जाएंगे, मतलब म्यांमार और थाईलैंड से हमारे जो अच्छे रिश्ते हैं इसका हमें फ़ायदा होगा जब हम मतलब हमें एशियान जाना है, हम इसे एक ब्रिज के रूप में इस्तेमाल करेंगे एशियान के लिए। बे ऑफ बंगाल, म्यांमार और थाईलैंड को हम एक ब्रिज के रूप में इस्तेमाल करेंगे दोस्तों एशियान जाने के लिए। तो देखिए हमारा जो एजेंडा है आने वाले दिनों में ये मॉडेस्ट होना चाहिए और ये फ्यूचर कॉरपोरेशन को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए दोनों कंट्रीज़ के लिए, राइटर ये बात कहते हैं। अब ये बात करते हैं दोस्तों थ्री सीज की, ये बात करते हैं दोस्तों तीन सीज की, ये बात करते हैं कॉमर्स की, ये बात करते हैं कनेक्टिविटी की, ये बात करते हैं कल्चर की।
देखिए कल्चरल टाई तो काफ़ी है, कल्चरल टाई के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। देखिए हमारे देश में आप रामायण जानते हो ना, तो इन देशों में भी रामायण की जो कथाएँ ये सुनी जाती हैं, यहाँ पर भी रामायण का लिटरेचर दोस्तों अवेलेबल है। तो हमारा और इनका कल्चरल टाई अच्छा है। कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो एशियन टाइम से दोस्तों इस रीजन से हमारी कनेक्टिविटी है, या यूँ हम कहें कि कॉटन रूट या सिल्क रूट, इस तरीके की बातें। ओके कॉमर्स देखिए पिछले 25 सालों में 25% तक निखर के आया है। प्रेजेंटली $70 बिलियन से ज़्यादा है दोस्तों। उनके साथ हमारा शुरुआत हुई थी, $3 बिलियन था। देखिए हम एक्सपोर्ट करते हैं 30 बिलियन के करीबन, वो हमारे पास एक्सपोर्ट करते हैं 40 बिलियन के करीबन। दोनों को अगर मिलाए तो 70 बिलियन से ज़्यादा होता है दोस्तों। बट ये कहते हैं देखिए इससे आगे जाने की ज़रूरत है, ये जो 3 C's है, कॉमर्स, कनेक्टिविटी और कल्चर, इससे आगे जाने की ज़रूरत है। एक ग्रैनुलर पर्सपेक्टिव की से आगे हमें निकलना पड़ेगा और हमें जो हमारे फ्यूचर पे ध्यान देना पड़ेगा कि हम और किस तरीके से इस रिलेशंस को इम्प्रूव किया जा सकता है। राइटर कहते हैं एक दूसरा एरिया है दोस्तों जो कि डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का है। देखिए हमारा सर्विस सेक्टर काफ़ी स्ट्रांग है, इसमें हम काम कर सकते हैं, या यू कहे कि इस रीजन में हम एक फास्टेस्ट इमर्जिंग मेजर प्लेयर साबित हो सकते हैं अगर इसकी बात करें। बिकॉज देखिए यहाँ पर ज़्यादा अगर हम देखें तो अभी यहाँ पर डोमिनेंस है चाइना का। अगर हम डिजिटल स्पेस की बात करें साउथ ईस्ट एशिया में, तो चाइना ने बिल्कुल मजबूती के साथ वहाँ पर खड़ा है, उसका व्यापार अच्छा है, वो अपने आईटी सेक्टर वहाँ पे लगाए हुए हैं। और देखिए जब डाटा की बात करती है दोस्तों, बट ये कंट्रीज़ भी इतनी समझदार है, ये जानती हैं कि अगर ये पूरी तरीके से एक ही कंट्री पे निर्भर करती है तो आगे इनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और जिस तरीके से इंटरनेशनल इमेज बनी है चाइना की, जिस तरीके से अगर हम तिब्बत को देखें, जिस तरीके से उसके जो रीजनल या उसके जो नेबर हैं, डोकलाम का रिसेंट इश्यूज़ है, तो किस तरीके से वो सामने आता है, किस तरीके से अपने आप को असेट करता है, या यूँ कहे कि वो अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश करता है। तो देखिए इस तरीके से ये लोग भी अपने सारे एक चाइना के बास्केट में नहीं रखना चाहते। इस सिचुएशन का हमें एडवांटेज लेना चाहिए। ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी में जितना स्कोप है इसे हमें कैश करना चाहिए, और डिजिटल इकोनॉमी के एरिया में हमें दोस्तों चाइना को चैलेंज करके, या यूँ कहे कि चाइना को हम चैलेंज कर सकते हैं बिकॉज हमारा सर्विस सेक्टर काफ़ी अच्छा है। तो बात करते हैं राइटर की, डिजिटल इकोनॉमी पे फोकस किया जा सकता है। बाद में बात होती है दोस्तों फोकस ऑन प्रोजेक्ट की। देखिए सीधी सीधी मैं आपको बात कहता हूँ, दो वर्ड को आप याद रखिए, एक है प्रॉमिस और दूसरा है परफॉर्मेंस। राइटर यही कहते हैं कि हमने जो प्रॉमिस किया है उसे परफॉर्मेंस में आप कन्वर्ट करके दिखाइए, सिर्फ प्रॉमिस ही मत कीजिए। बिकॉज देखिए प्रॉमिस हम करते तो है दोस्तों, बट हम काफ़ी बार डिले कर देते हैं, ठीक है। हमारा जो रिकॉर्ड है हमें काफ़ी बार डिले कर देते हैं। जैसे छाबार पोर्ट की हम बात करते हैं, देखिए छाबार पोर्ट में डिले हुआ, इसके पीछे कुछ पॉलिटिकल रीज़न है, कुछ वहाँ के जो रीजनल रीज़न भी है, बिकॉज वहाँ पर भी स्टेबिलिटी उतनी रही नहीं, सैंक्शंस थे, इन सब बातों को हम साइड में रखते हैं, वापस इसी आर्टिकल पर आते हैं। देखिए ये कहते हैं कि प्रेजेंट जो भी हमने प्रोजेक्ट वहाँ पर चलाए हैं, या जो भी हम परियोजनाएँ वहाँ पर चला रहे हैं, जो काम कर रहे हैं उसी पर फोकस करने की आवश्यकता है। एक एग्जांपल देते हैं दोस्तों, ये कहते हैं कि देखिए हमें कंप्लीट करना चाहिए जल्दी से जल्दी इंडिया म्यांमार थाईलैंड का जो ट्राइलेटरल हाईवे है, जो कि हमारे मणिपुर से होके थाईलैंड जाएगा दोस्तों, म्यांमार से होते हुए। देखिए मणिपुर से ये हाईवे निकलता है, ये पहुंचता है थाईलैंड, बीच में आता है म्यांमार, मतलब वहाँ म्यांमार ये वहाँ जाएगा दोस्तों, ठीक है। और बाद में ये बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट प्लान ये है कि जब ये ट्राइलेटरल हाईवे पूरा हो जाए तो अगला प्लान है कि ये कंबोडिया, लाओस और वियतनाम तक जाए दोस्तों। ये मतलब इसे हम एक्सटेंड करेंगे आगे, इस तरीके से ट्रांसपोर्ट आर्किटेक्चर है हमारा वो इससे मजबूत होगा, और देखिए व्यापार में इससे मतलब आसानी ही होगी। आगे चलते हैं दोस्तों, हम ये कहते हैं देखिए चाइना की अगर हम बात करें दोस्तों, तो अगर हम एयर कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो चाइना की हमसे कई ज़्यादा अच्छी है। चाइना के 3 times ज़्यादा फ्लाइट्स हैं इंडिया से, तो एक स्कोप एयर कनेक्टिविटी का भी है, हम एयर कनेक्टिविटी को अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। बाद में बात करते हैं दोस्तों कि देखिए बे ऑफ बंगाल को हम यूज़ कर सकते हैं अपने मराइन डेवलपमेंट के लिए, या यूँ कहे कि एशियन इंडियन का जो मराइन नेटवर्क है इसे इस्टेब्लिश करने के लिए, इसे मजबूत करने के लिए बे ऑफ बंगाल का अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों, एक लास्ट में कहते हैं कि देखिए जो कल्चरली हमारा और उनका कनेक्शन है दोनों कंट्रीज़ का, या यू कहे कि दोनों ग्रुप का, इसे और स्ट्रेंथिंग किया जा सकता है, इसे और मजबूत किया जा सकता है। ये कहते हैं कि देखिए हम स्कॉलरशिप देते हैं उन स्टूडेंट्स को जो एशियान से आते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, ये जो इनिशिएटिव हम चला रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, इसे हम एक्सटेंड कर सकते हैं IIT और IIM तक भी दोस्तों। ये कहते हैं बाद में कि देखिए टूरिज़्म एक सेक्टर है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, तो टूरिज़्म, एयर कनेक्टिविटी,
स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप जो दी जा रही है नालंदा यूनिवर्सिटी में, इसे हम और एक्सटेंड कर सकते हैं IIT और IIM तक। इस तरीके से दोस्तों जो आइडियाज़ है, अगर इस पे अच्छे से काम किया जाए तो हमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। यूँ कहे कि देखिए, जो फंक्शनल कोऑपरेशन है इंडिया और आसियान का एक पार्टनरशिप, ये मतलब ये और इम्प्रूव होगा और इसमें इम्प्रूव होने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए, एनवायरनमेंट इकोलॉजी से संबंधित एक आर्टिकल आया है, टर्टल के लिए रिकवरी प्लान दे रहे हैं राइटर। छोटा सा आर्टिकल है, इस पर छोटी सी बात करते हैं, ज़्यादा नहीं करते। देखिए, ये कहते हैं कि इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन सिस्टम का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है अगर हम सी टर्टल्स को बचाना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं, आर्टिकल पर बात करते हैं। ये कहते हैं, देखिए, हर साल हज़ारों जो टर्टल होते हैं ये आते हैं, बट मतलब ये समुद्र किनारे आते हैं अपने एग्स को लाए करने के लिए जब इनका ब्रीडिंग सीजन चलता है तब। बट देखिए दोस्तों, वहाँ पर एक तो ये कैप्चर कर लिए जाते हैं, वहाँ पर जो बोट्स होती है उनकी वजह से ये इंजर्ड हो जाते हैं और इनकी जान भी चली जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों, जिस तरीके से इन्हें इंटरनल इंजरीज हो रही है, इससे इन्हें बचाया जा सकता है। और हर साल इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, ये यूँ कहे कि पर्यावरण विशद जो लोग हैं, ये इनके पास एक रिकॉर्ड नंबर होता है। ये कहते हैं कि इतने जो टर्टल थे इन्होंने अपनी जानें गंवानी पड़ी समुद्र किनारे पर, इतने टर्टल्स कि मतलब इतने टर्टल्स हमें मिलते हैं। बाद में कहते हैं दोस्तों, देखिए, हमारे फिशरमैन जो फिशिंग करते हैं, इन फिशिंग के जो नेट्स होते हैं, इन नेट्स में भी ये टर्टल आ जाते हैं इस सीज़न में, मतलब जब इनका ब्रीडिंग सीज़न होता है उस समय। देखिए दोस्तों, अगर इन सब चीज़ों पर काम किया जाए, मतलब देखिए नेस्ट पे किस तरीके से काम किया जा सकता है, इसकी हम आगे बात करेंगे। ये कहते हैं कि अगर हम इंडियन वाटर की बात करें तो यहाँ पे 5 सी टर्टल मिलते हैं, लिटरबैक, लॉग हेड, हैक्सबिल ग्रीन एंड ओलिव रिडली। देखिए, प्रोनाउंसिएशन में मुझसे गलती हो सकती है, बट आप नाम पे ध्यान रखिए। ये 5 हैं जो इंडिया में मिलते हैं, टोटल 7 हैं, 7 में से 5 इंडिया में मिलते हैं। अब इनकी प्रोटेक्शन की बात की जा रही है, इनकी कंजर्वेशन की बात की जा रही है, तो इसके लिए लीगल लेजिस्लेशन क्या है दोस्तों हमारे कंट्री में? तो देखिए, इंडिया में इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अगर हम बात करें, इसके अंडर देखिए दोस्तों, हमने टर्टल को प्रोटेक्शन दिया हुआ है, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये एक्ट भी आप याद रखना टर्टल के प्रोटेक्शन के लिए। इंडिया में कौन से 5 स्पीसीज मिलती है सी वाटर की, जो हमारे वाटर में पाई जाती है? ओलिव रेडली, ग्रीन एंड ओलिव रेडली, हॉक्सबिल, लॉन्ग हेड एंड लीदर बैक। ओके गाइस, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पे बात की गई है इनके ब्रीडिंग सीजन्स की, तो इनका ब्रीडिंग सीजन होता है नवंबर और दिसंबर में। ऐसा नहीं है दोस्तों कि हम इनके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, हमने काफ़ी रूल और रेगुलेशन बनाए हुए हैं, बट उनका अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। बाद में ये बात करते हैं मराइन इकोसिस्टम की। तो देखिए, ये जो टर्टल होते हैं, जिन 5 टर्टल की हमने बात की, ये मराइन इकोसिस्टम में किस तरीके से अपना रोल प्ले करते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है दोस्तों। देखिए दोस्तों, स्पेशली ये जो टर्टल होते हैं, ये अलग अलग अपना काम करते हैं। जैसे कि एक टर्टल है जो कि जेली फिश को खाता है, जो कि जिससे जो वहाँ का एनवायरनमेंट होता है वो अच्छा रहता है, बिकॉज जेली फिश भी एक ख़तरनाक फिश है। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो ग्रीन टर्टल होता है, ये सी ग्रासेस का जो बेड होता है इसे फीड करता है। इसके अलावा जो दूसरे मतलब हर टर्टल का अपना रोल है दोस्तों इकोसिस्टम में, और ये मराइन इकोसिस्टम के एक अच्छे एजेंट है, और इनका इस इकोसिस्टम में रहना हमारे लिए उतना इकोसिस्टम के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना हमारे लिए ऑक्सीजन है। इस तरीके से हम इसे समझ के आगे चलते हैं। वर्केबल सॉल्यूशंस क्या है? देखिए, करंट रेगुलेशन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो काफ़ी अच्छे रेगुलेशन हमारे कंट्री में है। अगर हम 8 किलोमीटर का रेगुलेशन है AP में, नियरली 5.5 किलोमीटर का तमिलनाडु में, और 5 किलोमीटर का उड़ीसा में है, कि देखिए, अंडर द करंट रेगुलेशन मैकेनाइज्ड ट्रैवल बोट्स आर नॉट अलाउड टू ऑपरेट। मैकेनाइज ट्रैवल बोट को ऑपरेट करने की मनाही है दोस्तों 8 किलोमीटर, 5.5 किलोमीटर और 5 किलोमीटर AP, तमिलनाडु और उड़ीसा में। देखिए, बट प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं होता, इसके इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत है। अगर इसे अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए, मतलब देखिए, वहाँ पे एक प्रॉपर अथॉरिटी हो बीच को एग्जामाइन करने के लिए, कोस्ट गार्ड अपना काम करे, इंडियन कोस्ट गार्ड अच्छे से अपना काम करे, फिशरीज़ का जो डिपार्टमेंट है इस एरिया पे फोकस करे, और मराइन पुलिस अपना काम करे, तो इसमें हम काफ़ी अच्छा मतलब काफ़ी अच्छी सिचुएशन इम्प्रूव कर सकते हैं और काफ़ी कुछ हम हासिल कर सकते हैं। बाद में USA का एग्जाम्पल देते हैं दोस्तों। मैंने कहा था ना कि नेस्ट के बारे में हम बात करेंगे जिसमें टर्टल फंस जाते हैं। ये कहते हैं, देखिए, USA में एक तरीके का डिवाइस यूज़ किया जाता है नेस्ट में, और ये एक्सक्लूडर डिवाइस होता है दोस्तों, टेड जिसे कहते हैं। इस डिवाइस से क्या होता है, जो अगर टर्टल नेस्ट के अंदर आ जाता है तो उसे बाहर जाने के लिए एक रास्ता होता है, और जनरली ये कहते हैं कि 90% केसेस में ये डिवाइस काम कर जाता है। मतलब अगर टर्टल फंस जाते हैं नेस्ट में, तो वो इस डिवाइस के ज़रिए बाहर निकल सकते हैं।
तो देखिए दोस्तों, आज हमने जो एडिटोरियल आर्टिकल देखे, अगर इन एडिटोरियल आर्टिकल की हम बात करते हैं, एक जस्ट मैं थोड़ा से जूम कर देता हूँ। ओके, क्या आपको दिखाई दे रहा है? मुझे लगता है यस, आपको दिखाई दे रहा है। चलिए, ये देखिए, जो पहला वाला आर्टिकल था ये पॉलिटिकल टैंगो इसका नाम था, जो कि शिवसेना और जो हमारी प्रेजेंट नेशनल पार्टी जिसे हम कहेंगे बीजेपी, इनके बीच में। देखिए, शिवसेना ने अब कहा है कि वो आने वाले दिनों में गठबंधन नहीं करेगा, या यूँ कहे क्या, अलाय नहीं रहेगा भारतीय जनता पार्टी का असेंबली एज वेल एज जो नेशनल इलेक्शन होंगे इन इलेक्शंस में। देखिए दोस्तों, राइटर कहते हैं कि पहले से ही, मतलब जब प्रीवियस असेंबली इलेक्शन जब हुए थे महाराष्ट्र में, तब से ही इन लोगों के बीच में सीटों के बंटवारे को लेकर एक मतलब सीटों के बंटवारे को लेकर प्रॉब्लम आई थी, और इस वजह से तब से इनके रिश्ते ख़राब है। बट ये बात भी सही है दोस्तों कि देखिए, ये अलग अलग इलेक्शंस इलेक्ट मतलब कंटेस्ट कर सकते हैं, बट बाद में रिजल्ट आने के बाद में ये लोग अलाय बन के साथ काम कर सकते हैं। इस आर्टिकल पे हमने बात की दोस्तों, जो अफगानिस्तान के इंटरनल सिचुएशन को हमारे सामने पेश करता है कि काफ़ी ख़राब हुआ की सिचुएशन है। हमने साउथ ईस्ट एशिया की बात की दोस्तों, हमने एशियान और इंडिया के रिलेशन किस तरीके से इम्प्रूव किए जा सकते हैं और कितना स्कोप है, इस पर बात की। देखिए, अभी जो समिट चल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा इस पर न्यूज़ आएंगी, हम इसे फिर से कवर करेंगे। अगर समय मिलता है तो एक अलग से इंडिया और आसियान के रिलेशन पे एक अलग से वीडियो भी आपके लिए बनाएंगे। ये है दोस्तों, कुर्दिस से रिलेटेड है। देखिए, वहाँ अगर हम सीरिया की बात करें, तो सीरिया में कुर्द लोगों ने काफ़ी हेल्प की थी, और उस समय इनकी हेल्प अच्छे से ली भी गई थी। अगर यूएस की बात करते हैं, या यू कहे कि सीरियन फोर्सेस की बात करते हैं, बट अब लड़ाई ख़त्म हो चुकी है, आईएस का वहाँ से नाम मिट गया है। तो टर्की ने इन जो कुर्दिश लड़ाके थे, या जो कहे कि कुर्दिश की जो आर्मी थी, कुर्दिश लोगों की, इस आर्मी के खिलाफ कैंपेन लॉन्च कर दिया है। अब टर्की इन्हें ख़त्म करने की राह पर है, बट ये कहते हैं कि देखिए, वहाँ का लोकल सपोर्ट भी इन लोगों को काफ़ी है, तो टर्की के लिए काफ़ी मुश्किल जाने वाला है। आगे चलते हैं दोस्तों, एक सेकेंड क्वेश्चन पे हम आ गए। ये जो बड़ा वाला आर्टिकल था दोस्तों, ये ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड था, इस पर हमने कोई बात नहीं की। छोटा वाला आर्टिकल टर्टल से रिलेटेड था, जिस पर हमने लास्ट में बात की है। ओके गाइस, और देखिए, फिर एक दूसरा भी आर्टिकल यहाँ पे आया हुआ था, जो कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस से है। आर्टिकल ये कहता है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंक डिटरमाइन करने का जो क्राइटेरिया था, इस क्राइटेरिया में चेंज लाया जा सकता है। बिकॉज देखिए, प्रेजेंट क्राइटेरिया का जो मिसयूज़ भी किया जा रहा है, मतलब इससे पॉलिटिक्स भी की जा रही है। क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए कुछ कंट्रीज़ क्या कर रही है, उस तरीके का मतलब उन चीज़ों पे फोकस कर रही है। ये यू कह के इस तरीके से दिखा रही है कि वहाँ पे बिज़नेस अच्छे से हो सकता है, जिससे उनकी रैंकिंग इम्प्रूव हो रही है। अगर उनकी रैंकिंग इम्प्रूव होती है, तो फिर आउटसाइड से इन्वेस्टमेंट भी वहाँ पे जाती है, इस तरीके की बातें ये कह रहा था। और अगर आगे इस पे आता है तो हम बात करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों, दो एडिटोरियल पेज के कुछ एडिटोरियल आर्टिकल यहाँ पे हमने डिस्कस करे। आप अपने सुझाव दीजिए, मैं उस पर ज़रूर काम करूँगा। आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन इसी आर्टिकल में से मैंने निकाला है, जो हमने पहले देखे। द टर्टल ब्रीडिंग सीजन इज़ यूजुअली बिटवीन जनवरी मार्च अप्रैल मई जून सितंबर नवंबर दिसंबर। प्लीज़ गिव योर आंसर। ओके गाइस, और लास्ट में मैंने कहा था आपके लिए, देखिए दोस्तों, पुलिस एग्ज़ाम के लिए निःशुल्क कोचिंग दी जाएंगी अब हमारे एक जो हमारा दूसरा चैनल है स्टडी फॉर एग्ज़ाम्स, इसके द्वारा। और देखिए दोस्तों, डेली आपको 9 PM को वहाँ पर, मतलब आप आ सकते हो, लाइव मिलेगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगी, और चयन की गारंटी दी जा रही है भाई 30 दिनों में, तो ये भी आपके लिए अच्छा है। ओके गाइस, तो सिर्फ जाते जाते कहूँगा हैप्पी रिपब्लिक डे, मिलते हैं कल, टिल देन टेक केयर, गुड बाय। सब्सक्राइब करें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को, और हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन को टैप करें, और पाएं हमारे सभी वीडियोस बिल्कुल फ्री।